सीतापुर की तहसील लहरपुर क्षेत्र की ग्राम सभा लक्षण नगर मजना मातनपुरवा को एक और नई पहचान मिल गई है। अब इसे विशालकाय हनुमान मंदिर के रूप में भी जाना जाएगा। अभी तक इसकी पहचान बड़ी मातन दरबार के नाम से होती थी। दरअसल मुगल शासनकाल में स्थापित इस मंदिर में हनुमान जी की 40 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। मान्यता है कि यहाँ निसंतान दंपत्ति की सूनी गोद भर जाती है। 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैले इस प्राचीन मंदिर में बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा हो चुका है। हनुमान मंदिर के अलावा और भी कई मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है। सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा मंदिर परिसर में यज्ञशाला का निर्माण करवा चुके हैं। आइए जान लेते हैं मंदिर के पुजारी अखिलेश दास और श्रद्धालु गया प्रसाद का क्या कहना है। जहां देश की धार्मिक नगरी अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्राण प्रतिष्ठित होकर के अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, वहीं लहरपुर क्षेत्र में शीतला देवी मंदिर परिसर में हनुमान जी की 40 फीट ऊंची प्रतिमा भी निर्माणाधीन है, जो कि शीघ्र ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जो कि जनपद की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा के रूप में स्थापित हो रही है। और यह शीतला देवी मंदिर, जिसका पौराणिक इतिहास मुगल काल से जुड़ा हुआ है, इसके विषय में हम जानकारी लेने के लिए आज मंदिर परिसर पहुंचे हैं, जहां पर यहां के प्रमुख पुजारी जो इस मंदिर की संस्थापना को लेकर के विगत कई वर्षों से त्याग और तपस्या कर इस मंदिर को भव्यतम और निरंतर इसमें निर्माण कर इस मंदिर परिसर को बड़ा कर एक आस्था का केंद्र बनाए हुए हैं, उनसे जानते हैं। ये है शीतला मंदिर, जिन्हें बड़ी मातन का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि तहसील क्षेत्र के ग्राम लक्षण नगर में मातनपुरवा गांव में स्थित है, जहां पर नवरात्र से लेकर वर्ष भर आस्था से जुड़े हुए लोगों का यहां पर सैलाब लगता रहता है। इस मंदिर को भव्य रूप देने वाले पुजारी अखिलेश दास से जानते हैं। पुजारी जी, ये मंदिर में आप कब जुड़े और जब जुड़े तब मंदिर की स्थिति क्या थी और इस समय क्या जो देखने को मिल रहा है, इसमें आपका क्या योगदान है? सबसे पहले कोटि-कोटि आपको धन्यवाद है कि आपने बड़ी मातन मैया के दरबार में मातनपुरवा की देवी मंदिर के विषय में हमेशा चर्चा सहयोग किया है और आपके माध्यम से काफ़ी जगह संघर्ष में सहयोग भी मिला है। और ये स्थान करीब आज हमको यहाँ 12 वर्ष हो गए हैं और 12 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन बाउंड्री का क्षेत्र की जनता के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से मांग जांच करके ये करवाया गया है। 8-9 ब्रांडों का निर्माण हुआ है क्षेत्र के भक्तों के सहयोग से और 40 फीट ऊंची जो बालाजी की मूर्ति बन रही है, इसमें करीब 750 गांव के लोगों के, भक्तों के, चंदे के सहयोग से ये कार्य चल रहा है। मूर्ति बन के तैयार है, मूर्ति के ऊपर स्लेब पड़ना है, 45वें स्लेब पड़ेगा, 21 का शिखर बनेगा, क्योंकि राम राज्य की सरकार है, जगह जगह राम राज्य की चर्चा हो रही है, तो राम राज्य में अगर राम जी की चर्चा है तो हनुमान जी की भी चर्चा होना चाहिए, क्योंकि बिना उनके राम जी अधूरे हैं और राम जी के बिना हनुमान जी अधूरे हैं। इस क्षेत्र के भक्तों का अथक प्रयास सहयोग रहा है, उससे मातन में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ये मंदिर जो है मुगल कालीन संस्कृत से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना की, जैसा कि लोग बताते हैं, कि औरंगजेब के शासन काल में हुई थी। इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई कोई घटना आपको याद आ रही है या किंवदंती कोई प्रचलित है जो आप बता सकते हैं? हाँ जी, इसी ग्राम के रहने वाले हमारे मातनपुरवा के एक सत्तार खां हैं, वो यज्ञ के समय गोला उठा ले गए थे यज्ञशाला से। काहे का गोला? गरी का गोला था, नारियल का, वो प्राण प्रतिष्ठा करके यज्ञ में रखा जाता है, उसको उठा ले गए थे तो यज्ञ की अग्नि ठंडी पड़ गई और उनके मुंह में छाले पड़ने लगे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बाद में उन्होंने जब अपने परिवार के सदस्यों से बताया
कि मंदिर में यज्ञ हो रही थी, वहां से जब से हमने गोला खाया है तब से हमारी ये मनोवृत्ति हुई है। तो फिर यहाँ आके संतों ने, बहुरंगी बाबा, नारदानंद स्वामी वगैरह सिद्ध महापुरुष यहाँ संचौरासी में यज्ञ करने आए गए थे, तब की ये घटना है। तो जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि अगर इनका जीवन बच जाएगा बच्चे का, तो आपका मकान जरूर जल जाएगा, अगर मकान बच जाएगा तो बच्चे का जीवन खत्म हो जाएगा। उसमें हुआ ये कि उसका जीवन तो बच गया, जितने दिन यज्ञ होना था यहाँ नारियल गोला चढ़ाए पूजा किए, लेकिन उनका मकान जल गया था। ये कट सच्चाई है। और इस नाम सत्ता नाम का व्यक्ति आज भी हमारे मातनपुरवा में जीवित हैं। जब उनसे कभी भी चर्चा करो तो मुस्कुरा के कहते हैं कि सच्चाई है तो कहने में जाता है क्या। ये हनुमान जी की इतनी ऊंची जो प्रतिमा आप बनवा रहे हैं, इसके पीछे कोई बालाजी ने आपको कोई मन में कोई भाव ऐसा पैदा हुआ जो हनुमान जी की जिले में सबसे ऊंची प्रतिमा आप बनवा रहे हैं, और इसके भाव में एक तरफ माता जी का मंदिर है, सामने यज्ञशाला और बीच में ये हनुमान जी की प्रतिमा, इस प्रतिमा के लेकर के बनवाने को लेकर के आपके अंदर क्या भाव आया और कब आया? दरअसल बात हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी जब हुए सुनील वर्मा जी, तो क्षेत्र में बालाजी की एक लहर थी, जो जिसके मुंह से सुनते हर आदमी बालाजी का भक्त था। तो हमने भी सोचा कि हमारे विधायक जी जब बालाजी के भक्त होकर विधायक बन सकते हैं, तो बालाजी की स्थापना क्षेत्र में मांग जांच करके अगर बनवाई जाएगी तो समाज में अपना भी नाम हो सकता है। ये है गया प्रसाद, जो कि विगत कई वर्षों से, कई दशकों से इस मंदिर की आस्था से जुड़े हुए हैं। ये मंदिर के अतिक्रमण, चूंकि मंदिर अतिक्रमण ग्रस्त था, उसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया। ये पुजारी जी अखिलेश दास जी के आने से पहले इनका भी काफी योगदान है। आइए जानते हैं क्यों गया प्रसाद जी, ये मंदिर क्या था, इसकी पूर्व में दशा और इस समय क्या है? इस समय तो दशा बहुत अच्छी चल रही है, और इससे पहले जो रहा है यहाँ पर बहुत मतलब नुकसान हो जा रहा है, जानवरों से, आदमी से, और मोहंडम इस पर कब्जा किए रहे हैं। और आज करीब करीब 24 साल बाद इसकी सफाई पंडित जी द्वारा हुआ, और अब धन्य भाग है करीब करीब 24 साल के विवाद चल आज जब राम मंदिर के लिए हमका आज़ादी मिली तो हमें मुक्ति मिली। नहीं, अभी आप एक बात कह रहे थे कि जब अयोध्या में विवाद हुआ था तो यहाँ भी विवाद चल रहा था, और आज वहाँ मुक्ति मिली है भगवान को, तो आज यहाँ भी मुक्ति मिली है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भगवान के लिए दया हुई गई, तो माता जी के स्थान पर दया हुई गई। हम तो ये समझे थे कि भगवान और राम जो आस्था से धर्म के लिए जुड़ा होते थे, तो आज हमारे मतलब एक आस्था पूरी हुई गई, अरमान पूरी हुई। ये मंदिर पहले लोगों के कब्जे में था क्या, इसकी जमीन? हाँ रहा है, सब चारों तरफ से ने का हिंदू का मुसलमान सब गंदगी डाले रहे हैं सब। अच्छा, अब इस समय में गंदगी बिल्कुल साफ है, और पंडित जी के द्वारा बाउंड्री सब भक्तों के सहयोग से सब बनी गई, तो उसमें आराम है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।